हेलो दोस्तों, आज स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारे पास हीरो एक्सपल्स 200 लेके आए हमारे भाई। तो भाई बताओ क्या दिक्कत था इसमें? भाई इसमें इसके थर्ड गियर में दिक्कत थी और इसके अंदर वाइट स्मोक की दिक्कत थी। इसके अलावा इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। चलने में ये स्मूथ नहीं थी, इसके अलावा इसके अंदर पावर नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है भाई की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। भाई इसका जो सामान है मैंने कंपनी से ऑर्डर करके मंगाया, कम से कम 10 दिन लग गया इसका सामान मंगाने में। तो इसका थर्ड गियर, इसका सिलेंडर किट, टाइमिंग किट, इसकी बैलेंसर वगैरह सारा चीज खराब था, क्योंकि भाई को बहुत ज्यादा टाइम लग गया हमारे से भाई बात करे, क्योंकि उसके चक्कर में आज ये बाइक मेरे पास खुल रही है। तो इसका सामान अभी हम जा रहे हैं कंपनी लाने, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट जाते हैं सामान ले आएंगे, उसके बाद इसको सफाई करेंगे और सारा सामान डालेंगे, फिर भाई की बाइक हम ओके करेंगे। जब हमने सामान ले लिया है, अब हम चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। गैरेज की तरफ यार, एक ही तो हम रॉन्ग जाएंगे। अब हल्का सा तो जाना पड़ेगा। देखो गाइस, हम इतने अच्छे बच्चे हैं, हम रॉन्ग साइड भी जाते हैं। सामान आगे पेटी भर के तो चलो ठीक है गाइस, फिर हम अपने गैरेज पे पहुंच के आपको मिलते हैं। गाइस हम लोग वापस आ गए अपनी शॉप पर, सामान सारा ये रखा और इसका भाई हमने गियर बॉक्स पूरा खोल दिया है हीरो एक्सपल्स 200 का। तो देखो भाई ये तीसरा गियर की हालत देखो भाई, टूट गया बिल्कुल, खत्म हो गया। तो भाई चला रहे थे, इनको मजबूरी में चलाना पड़ गया, तो ये गियर तो बिल्कुल खत्म है। तो इसका सारा सामान मैंने हीरो से लेके आया और वो रखा भाई सामान। देखो दिखा दो भाई, देखो गियर आ गए इसके, ये दोनों गियर आ गया और इसका हमने सारा सामान लेके आया भाई। सिलेंडर किट भी है, दिखा दो भाई। दिखाओ ना भाई। टाइमिंग चेन किट है, अब सेंटर है, कलच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है और चल रही सफाई भाई। ये तो साफ हो चल रही है भाई, नया हो गया एकदम, इंजन चल रही है, डीजल के साथ मिक्स हो गया, डीजल और पेट्रोल से मिक्स होके सफाई हो रही है। सफाई करेंगे भाई, उसके बाद इसको बांधेंगे तरीके से, चलाएंगे। तो भाई देखो इसका आप गियर बॉक्स हमारे सलीम भाई बिठा रहे हैं, तो भाई बोलो यार, सलीम भाई भी कुछ बोल रहे हैं। अरे आप बोलो, हम देख करते जा रहे हैं काम और क्या है। तो भाई मोए 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 भाई, हम इनके चेले जो जेन्युइन वाला मेन उस्ताद ये है, हम काम सिर्फ सीख रहे हैं अभी। ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, 300 रुपए पर डे। तो इसका गियर जो है डल चुका है, तीसरा गियर, क्योंकि जो कट गया था, अब इसमें भाई मजा आने वाला है, अलग अलग ही लेवल की चलने वाली है ये भाई। गियर ही डाला है ना? हाँ गियर डाला भाई, तो सारा सामान भी आ रहा है ना, मजा आने वाला है। तो मजा आएगा ना यार, कोई लजीज तो आएगा नहीं, मजा ही आएगा चलाने में भाई। पहले भाई भगा नहीं पा रहे थे, तीसरा गियर भाई बहुत गंदी आवाज कर रहा था उसकी वजह से, तो अब जो है गियर डल गया तो भाई अलग ही लेवल की चलेगी अब ये, और सारा सिलेंडर किट वगैरह। तो भाई इसका गियर बॉक्स जो है बैठ चुका है, क्योंकि गियर बॉक्स कम कर दिया हमारे सलीम भाई, और इसके क्रैंक भी बैठ गया है, और इसका ये जो है ना बैलेंसर होता है, और ये भी बैठ गया है। अब इसको जो हम पैक करते हैं, उसके बाद फिर इसका क्लच का सारा सामान हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं भाई आगे क्या होगा। तो भाई इसका जो गियर गराड़ी जो टूटा है, ये टूटने का कारण पता है क्या हो सकता है? जैसे कि हम कभी बाइक चलाते हैं, कभी कभी क्या होता है भाई लोग क्या चलाते हैं तो तीसरे गियर में उठा देते हैं, दूसरे गियर में उठा देते हैं, तो उसकी वजह से ये गराड़ियाँ टूट जाता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं बाइक चलाते चलाते, जैसे कि हम इसको गियर में ही बंद कर देते हैं, हम न्यूट्रल नहीं करते, अगर कहीं रोकना अचानक क्लच छोड़ दिया तो उसके झटके से भी इसकी जो गराड़ियाँ हैं ये टूट जाता है। तो कभी भी आप लोग अगर बाइक चलाते हो तो मेरा कहना यही है, जो बाइक को न्यूट्रल करे उसके बाद ही बंद करे, गियर में कभी भी कोई बाइक को बंद ना करे, उससे अगर आप बंद कर दोगे तो दिक्कत आपको होने वाला है, क्योंकि पूरा इंजन खुलने वाला है। तो कभी भी ऐसे काम ना करें। तो ये हमारे भाई, इनकी बाइक है भाई, आंखों में आ दे रहे हैं, शर्मा रहे आप, क्योंकि भाई गराड़ियाँ टूट गए ना, गलती कर दी हैं, तो ये चीज़ें कोई भी ना करें। तो भाई इसका चैम्बर बंद कर दिया है सलीम भाई ने, इसका चैम्बर देखो तरीके से फिट हो गया, और इसको जो हमने साफ करा भाई इंजन को, देखो बिल्कुल नया लग रहा है, क्योंकि डीजल से हमने इसको वॉश करा है। और इसका चैम्बर बंद होने के बाद इसे सारी जो है क्लच का बैलेंसर वगैरह जो लगेगा गराड़ियाँ वो लगेंगे, और उसके बाद क्लच व्लच बंद होगा,
उसके बाद भाई फिर देखेंगे। तो हमारे सलीम भाई बांध रहे हैं इस बाइक का इंजन, क्योंकि भाई कभी कभी कैमरे के सामने नज़र आते भाई ऐसे तो आते ही नहीं। तो भाई बाबा बोल दो यार कुछ, सलीम भाई मेरे लिए बोल दो कुछ, तो बोल दो इनके लिए जो भाई काम काम करते हैं उसमें कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, काम करते हैं अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, हंसते हुए बहुत प्यार लगता है सलीम भाई। हंसते हुए भाई इनका कौन अभी कोई क्या नाम है इनका, ध्यान नहीं आ रहा है भाई, याद करेंगे उसके बाद बताएंगे भाई अगले वीडियो में सलीम भाई क्या लगते हैं। तो इसके वाल वगैरह भी हमने लेके आया भाई, अभी वाल लगे थे। देखो पैकिंग वगैरह भी हमने ओरिजिनल कंपनी से ही लेके आया, क्योंकि एक भी सामान इसमें जो ना लोकल नहीं डाल रहे, क्योंकि लोकल सामान जब ओरिजिनल नहीं मिल रहा तो लोकल कहाँ से मिलेगा। तो अभी सारा सामान कंपनी से लेके आए। काम कैसा लगा आप अभी भाई, बता दो। मुझे बहुत बेहतरीन लगा एंड मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली दैट अगर आप कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई से पहले अपॉइंटमेंट लें। और यहाँ पर इतना है कि बेनता कि आप अपनी गाड़ी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ के जा सकते हैं। मैं हर जगह ये नहीं बोलता, आई बिन टू सर्विस सेंटर ऑल्सो, बट वहाँ पर भी मुझे इतना, जैसे आप अपने सामने देखो भाई का काम देखो, भाई के रिव्यूज देखो, उसके बाद भाई का वेलकम देखो, क्या स्नेप वेलकम, इस हिसाब से बेस्ट काम। और सलीम भाई के हाथ अगर गाड़ी लग गई तो आर 15 से कम नहीं बनने देंगे। तो भाई तो सलीम भाई बांध रहे हैं तो भाई मज़ा ही आने वाला है अलग, देखते हैं चल रहा है काम अभी। तो भाई इसका जो अभी बैलेंसर बिठा रहे हैं और इसकी टाइमिंग भी आपको हम दिखाएंगे जो बैलेंसर में इसका टाइमिंग कहाँ होता है और कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसर का टाइमिंग वगैरह जरूरी होता है, क्योंकि हल्की सी अगर हम टाइमिंग आउट कर देते हैं। बैलेंसर की टाइमिंग ठीक है रुको भाई, तू मुझ पे फोकस करो 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 करो, धक्का लगवा दिया मेरे से, स्कूटी में पेट्रोल नहीं, मेरे को स्कूटी दे दी कि जाओ ले आओ सामान ले आओ, धक्का लगा के ला रहा हूँ भाई बहुत दूर से, स्ट्रगल हो गया ये तो भाई के साथ, मोय मोय हो गया। इसका टाइमिंग जो दिखा रहे अभी करीब से दिखा दीजिए, इसका बैलेंसर का टाइमिंग है ये, क्योंकि हल्की सी अगर आउट अगर हम इसको कर दिए तो भाई करेंगे में टकराएगा इसका बैलेंसर रोड जो होता है अंदर। क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसके बताइए। तो इसका जो है बैलेंस ये टाइमिंग दिया हुआ है, अगर इस दोनों को हम आपस में अगर नहीं मिलाएंगे ना, जैसे कि देखो दिया हुआ है ना ये बुंदा सा, तो इसको आपस में हमें मिलाना होता है, अगर हम इसको नहीं मिलाएंगे तो करेंगे जो ना राउंड नहीं मिलेगा, इसकी रोड अंदर करेंग में आपस में टकरा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखना है, छोटी छोटी चीज़ें, तो इसमें फोकस ज़रूर करना है आपको। तो भाई इसका जो है टाइमिंग चेन किट मैंने मंगाया था हीरो एक्सपल्स का, तो देखो इसमें किट में क्या क्या आता है, क्योंकि ये किट हमें कितने का है यार, 830 रुपये MRP है इसकी, और इसमें डिस्काउंट कंपनी में नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। तो इसमें भाई किट लेना हमें बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या, इसकी चेन गाइड आ गया, दोनों गरारी आ गई, टेशनर आ गया, और इसकी चेन, तो ये पांच चीज़ें आया भाई किट में, तो ये फ़ायदा है। और इसका जो है सारा चीज़ ये क्लच प्लेट का जो है मैंने अब क्लच प्लेट महंगी होगी इसकी भाई, 1480 रुपये की MRP है इसकी क्लच प्लेट। इसमें क्लच प्लेट दो अलग होते हैं, दो प्लेटें अलग होते हैं। अगर हम क्लच प्लेट फिट करते हैं तो पहला प्लेट एक नीचे जाता है सबसे हाउसिंग हब में, और दूसरा सबसे ऊपर रहता है। तो कभी भी अगर क्लच प्लेट फिट करते हो तो दो प्लेटें अलग होते हैं, ध्यान रखना, एक सबसे नीचे एक सबसे ऊपर। ये रहा इसका सेंटर, इसके लिए कॉस्ट कुछ सेंटर पर यार महंगा है, 365 रुपये का सेंटर, 285 रुपये का हब है। और ये रहा सिलेंडर किट, सिलेंडर किट में देखो इसका हाफ पैकिंग आता है, इसकी हेड टापी की रबर हुआ, पिस्टन के लॉग, ये सारे तो आते ही। ये रहा, ये रही मेन सिलेंडर किट, मेन सिलेंडर। अब देखो भाई कंपनी की फिटेड तो अलग ही लेवल का है यार, ये देखो ये इसके अंदर रहेंगे, और ये रहा पिस्टन, ये BS6 का FI। अभी कर रहे हैं सलीम भाई उधर हॉर्न लगा दिए हैं,
और पुरानी क्लच प्लेटों की हालत में दिखा दूंगा। खत्म हो गया भाई, क्लच प्लेट इसमें तो डालनी पड़ेगी, पूरा इंजन होगा, मेरी जान तो डलेगा। ये कट गया यार, ये देखो ना, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, खत्म। कभी फिट हो रहे उसके बाद फिर देखते हैं, सिलेंडर गेट वगैरह बिठाएंगे, फिर आपको लास्ट टाइमिंग हम दिखाएंगे, टाइमिंग दिखाने के बाद हम इंजन चलाएंगे, फिर स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। ये है पुराने टेंशनर की हालत, ये देखो वेल्डिंग हुई भी है। हाँ भाई, वेल्डिंग कर दिया भाई किसी मैकेनिक ने, पहले वेल्डिंग हो रही है। हमारे भाई लोग जो कमेंट करता है तो ये गलत, क्योंकि ये देखो ये मैकेनिक ही करा ना ये, और भाई लोग कस्टमर ने खुद तो खोल के करी नहीं होगी, क्योंकि भाई लोग अगर इसका टाइमिंशन अगर लूज होता है तो भाई इसका टाइमिंशन आप नया डाल दो, उसके वजह से देखो इसमें नुकसान क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। टाइमिंशन लूज हुआ तो आपने टेंशनर को वेल्डिंग कर दिया, तो टेंशनर क्या इसको गाइड को जो ना ज़्यादा पुश करता है, तो ये गाइड जो ये टूट भी सकता है, देखो टूट भी गया, यहाँ से भी टूट गया ये, और ये घिस जाता तो उसकी वजह से सारी। भाई आप इससे पहले काम कहाँ कराए थे भाई? इससे पहले इसकी बार बार क्लच प्लेट खराब होती थी, इसका हाफ इंजन का काम होता सर्विस सेंटर में। तो भाई सर्विस सेंटर में काम कराए थे? हाँ। तो देखो भाई दोनों टेंशनर को मैं दिखा भी दूँ, एक मिनट क्या फर्क है आप सीधा पकड़ो, ये देखो फर्क, आप लोग कमेंट करके, ये वाला नया है, ये नया है, ये पुराना है, तो इसको जो है वेल्डिंग कर रखा है इसके अंदर, ये टाइमिंशन लूज हो रहा था उसके चक्कर में इसमें वेल्डिंग कर दिया, ताकि टाइमिंशन हमारा टाइट रहे, और इसकी वजह से इंजन में आवाज है। हाँ, इसकी वजह से इंजन में दिक्कत भी आ रहा और आवाज भी आ रहा, तो ये चीजें कोई भी ना करे, कोई भी मैकेनिक ना करे। तो भाई इसका कलर जो है हमने बंद कर दिया है, सारी चीजें फिट हो गया, और इसका अगर आप कभी भी अगर जैसे कि हम बैलेंसर का नट टाइट करते हैं, तो भाई कभी भी अगर आपको कट दरारी जैसे लगाना हो तो बैलेंसर में कभी भी ना लगा, क्योंकि उसको लगाने से क्या होता है आवाज़ आ जाती है। तो प्राइमरी गियर में आप लगा सकते हो, जैसे कि ये कट गरारी, तो आप प्राइमरी गियर में लगा सकते हो, बैलेंसर में कभी भी नहीं लगाना, उससे इसके बैलेंसर की गरारी ना बहुत ज़्यादा नाजुक है, उससे आवाज़ आती है खान की। तो भाई इसका जो है हमने टाइमिंग हेड फिट कर दिया, और इसका जो है अभी हम टाइमिंग फिट कर रहे हैं, मैं आपको टाइमिंग के बारे में समझा, जैसे कि ये पुरानी गरारी, तो ये देखो ये दोनों जो बूंदा दिया हुआ है ये दोनों ऊपर होगा, क्योंकि ये नीचे नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें निशान भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टाइमिंग, ये टाइमिंग हमारा ये रहा, ये है हमारा टाइमिंग, हमने इसको कर दिया फिट, और इसमें यहाँ पे भी निशान दिया हुआ है, ये देखो ये जो यहाँ पे टीका निशान है, तो ये चीज़ ना इसके सामने होना चाहिए, यहाँ से जाता है ऐसे, ये कभी भी अगर आप हीरो एक्सपल 200 का टाइमिंग मिला तो ये चीज़ हमेशा यहाँ होना चाहिए, होंडा यूनिकॉर्न में भी ऐसे, तो इसके सामने यहाँ आया बिल्कुल सीधे होना चाहिए, और ये देखो ये निशानी भी दिया हुआ है इसके सामने, बिल्कुल बिल्कुल फिट है हमारा टाइमिंग। भाई टाइमिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? टाइमिंग की मैं इम्पोर्टेंट ये बताता हूँ, जैसे कि टाइमिंग मेन चीज़ है, अगर आप टाइमिंग अगर हल्की सी भी आउट कर देते हो तो उसमें आपका दिक्कत ये हो सकता है, रोको अरे रुक जाना बे, और जाएगी रेट, कोई बात नहीं भाई। टाइमिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? टाइमिंग की इम्पोर्टेंस ये है, जैसे कि अगर आप टाइमिंग ऐसी चीज़ है, अगर हल्की सी भी एक दांते अगर आपने आउट कर दिया तो इसकी जो वाल है वाल आपका बेंड हो जाएगा, बेंड होने का कारण क्या है, हमने टाइमिंग आउट कर दिया, टाइमिंग आउट होते ही बेंड हुआ, वाल बेंड होते ही भाई पिस्टन के अंदर जाएगा, पिस्टन भी टूट सकता है, तो कभी भी अगर आप टाइमिंग मिलाते हो तो भाई एक बार आप गौर से पहले उसको देखें, उसके बाद इसका टाइमिंग मिलाए, क्योंकि मैग्नेट में दिया होता है टी, ये देखो यहाँ पे भी निशान दिया हुआ, यहाँ से सीधा आपको सामने लाना और ये सामने सामने ही रखना है, और इसके बूंदे ऊपर ही होने चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿੱਲੋ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿੱਲੋ ਮੋਰ ਨੇ। ਗਾਇਸ ਸਵੇਰ ਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ, ਬਚ ਚੁਕੇ ਹੈ 5, ਅਬ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਕ, ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਸ ਅਭੀ ਇਸਕੇ ਇੰਜਨ ਕੋ, ਇਸਮੇ ਟਕਰਾ ਥਾ, ਇਸਮੇ ਇਹ ਗਲਾ ਲੋ 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 12 ਗੋਟੀ ਦੋ, ਫਿਰ ਇਸਮੇ ਟਕਰਾ ਹੈ, ਦੋ 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 12 ਗੋਟੀ ਦੋ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੋਤਾ ਨਾ 10 है ना, तो इसका इंजन जो है अब हम चलाने की तैयारी में है भाई, इंजन चलाएंगे उसके बाद भाई स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं भाई इसकी आवाज कैसी आ रही है। आवाज तो अच्छी आ रही होगी, आवाज यार अच्छी आएगी, सारा काम हो गया, पूरा इंजन हुआ ही होगी, हाँ आवाज अच्छी आएगी, तो अभी हम चलाते हैं उसके बाद। भाईयो मिठाई मंगा लो, अब हो गई है हमारी एक्सपल्स स्टार्ट, इधर भाई सेल्फ मारो इसमें जरा। तो भाई हमारी एक्सपल्स हो गई स्टार्ट, हमने इसका जो काम करना था
एक सेल्फ में स्टार्ट भाई, दिल को छू लिया यार। आवाज सुनो भाई, भाई मजा आ गया, टॉर्क दे रहा हूँ। ओए होए स्मूथ भाई, बिल्कुल स्मूथ हो गया इंजन, मजा आ गया भाई। जो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व कर दिया तुम्हारे भाई ने। और व्हीली भाई, अभी व्हीली नहीं मारेंगे क्योंकि अभी हमने इंजन बांधा है, इसका सारा काम करते भाई। अभी मैंने थर्ड गियर डाला है क्योंकि व्हीली मारेंगे भाई, अभी नया गियर डाले यार, थोड़ा स्मूथ करने दो उसको, चलेगी 500 किलोमीटर, उसके बाद हम मारेंगे व्हीली। दिखाओगे ब्लॉग में? हाँ ब्लॉग में दिखाएंगे भाई। ठीक है, ये भी बात रही। अब कस्टमर कहाँ है, कस्टमर को बुलाओ ना, उनसे पूछे कैसा काम हुआ है उनको भाई, और उनसे रिव्यू लेते भाई कैसा है काम और कैसा मजा आया काम में। तो भाइयों हमारे पास जो सुबह हीरो एक्सपल्स आया था उसको हमने फाइनल ओके कर दिया, तो हम इसको स्टार्ट करके भी इसकी आवाज भी सुना देते आपको। चलो भाई हम इसको स्टार्ट करते हैं। हो गई हमारी बाइक स्टार्ट, अब मैं भाई टॉर्क भी देता हूँ इसमें भाई, पैसा असल मजा आ गया। तो भाई आपको कैसा लगा काम? भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा, भाई का वेलकम, भाई का काम, काम सेट के भाई जो इंसान है उसके लिए बता रहा हूँ, काम एक नंबर है। अभी वो साउंड आ रहा है, अब इसके बाद टेस्टिंग फेस चलेगा, भाई को मैं रिव्यू दूंगा। अभी तक का जो चला के देखा मैंने फर्स्ट रिव्यू, बहुत बढ़िया इंजन असेंबल हुआ है। A1 गुच्ची दी ड्रेस लक मिनटा लहण दे।